टाइम विद दीपक हांसी में आपका स्वागत है। आज जानिए लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ खास बातें। वैसे तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपनी मधुर आवाज से 6 दशकों तक संगीत की दुनिया को शुरू से सजाती आई थी। बॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिसको लता ने अपनी आवाज न दी हो। लता ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का जन्म के वक्त नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। लता जी के लिए गाना पूजा के समान था, इसलिए वे रिकॉर्डिंग के समय या रियाज के समय कभी भी चप्पल नहीं पहनती थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। शुरुआती सफर में पतली आवाज होने की वजह से लता जी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्हें पहचान मिली। एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ गलत फहमियों के कारण लता जी ने महान संगीतकार रहे एसडी बर्मन के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया था। पुरुष गायकों में मोहम्मद रफी के साथ लता जी ने सर्वाधिक 440 गीत गाए। युगल गीतों पर रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर और रफी के बीच मतभेद हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों गायकों ने करीब 3 वर्ष तक शार्क गाना नहीं गाया था। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 1999 में पद्म विभूषण और 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लता को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर बनी। उनसे पहले यह अवार्ड एमएस सुब्बा लक्ष्मी को मिला था। यह जानकारी लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ खास थी। टाइम विद दीपक हांसी में आप इस फोटो को देखते हुए हमारा ऑडियो को सुना, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।